नमस्कार दोस्तों, एस क्लास एजुकेशन बाय सुहानी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 12th स्टैंडर्ड हिंदी का प्रश्न पत्रिका का स्वरूप किस तरीके से होता है, उसी के साथ साथ किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सभी कुछ चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसी के साथ आप सभी को पता है कि हिंदी ये सब्जेक्ट 12th स्टैंडर्ड बोर्ड के लिए 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 20 मार्क्स इंटरनल होते हैं और 80 मार्क्स का आपका रिटर्न पेपर होता है। अभी ये जो 20 मार्क्स इंटरनल है, इसमें आपको कॉलेज की ओर से कुछ लेखन कौशल्य के लिए लिखने के लिए दे सकते हैं, उसी के साथ साथ कुछ ओरल्स हो सकते हैं, असाइनमेंट्स हो सकते हैं, वो आपको कॉलेज की ओर से बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या आ सकता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, कॉलेज तो सभी को ऑलमोस्ट 15 से ऊपर मार्क्स दे ही देता है, हम एवरेज पकड़ लेते हैं कि 17 मार्क्स कॉलेज दे देता है। तो उसके बाद जो रिटन एग्जाम होता है, आप सभी को पता है कि ये लैंग्वेज का पेपर है, तो इसमें पूरी तरह से आउट ऑफ स्कोर करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो हम एम रखेंगे कि 95 तक तो हम स्कोर कर लें, 95 के आगे स्कोर करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले अगर आपको इतने मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको पेपर पैटर्न पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पेपर पैटर्न ही नहीं पता, क्वेश्चन ही नहीं पता, तो आप कैसे पता करोगे ना कि आपको कितना स्कोर मिल सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि पेपर पैटर्न क्या है। तो ये मेरे पास जो पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर है, वो है 2023 के बोर्ड एग्जाम का पेपर, तो लेटेस्ट है, इसलिए आपको इससे समझना भी आसान हो जाएगा कि आपका पेपर किस तरह से बन सकता है। तो सबसे पहले विभाग फर्स्ट या विभाग पहला, जो कि है गद्य, ये विभाग कुल 20 अंकों का है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कृति पहली अ, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया जा चुका है, ये जो गद्यांश है आप ही के टेक्स्ट बुक में से है, तो इस क्वेश्चन में जो भी गद्यांश आएगा आप ही के टेक्स्ट बुक में से आएगा, ठीक है। तो ये जो गद्यांश है कुल 6 गुणों के लिए है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गद्यांश ऑलमोस्ट 300 वर्ड्स तक रहेगा, 250 to 300 वर्ड्स तक का रहेगा। तो जब आप ये गद्यांश पढ़ोगे तो इतना जरूर अशर कीजिए कि आपको ये गद्यांश पता हो कि ये किस चैप्टर से है, उस चैप्टर में क्या लिखा गया है, एटलीस्ट आपको उतना तो पता हो, ताकि आपका गद्यांश पढ़ने में ज़्यादा समय ना जाए और आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए एग्ज़ाम से पहले या जब भी आपकी प्रीलिम्स हो या यूनिट टेस्ट हो, तो उससे पहले आप जितना उसमें पोर्शन आने वाला है वो पोर्शन आप पहले से करके रख सकते हैं, ताकि जब भी बोर्ड एग्ज़ाम होगी तो उससे पहले आपके ऊपर ज़्यादा बोझ ना बने, और जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स है लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और व्हाटएवर, जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहली कृति देखते हैं। पहली कृति में कहा गया है कि संजाल पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पे संजाल का प्रश्न है, इस तरह से वेब डायग्राम दी जा चुकी है। आपको किस तरह से अलग से भी वेब डायग्राम दी जा सकती है, तो बेसिकली यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपको वेब डायग्राम का ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ACB डायग्राम दी जा सकती है। तो यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा वो एक्टिविटी बेस्ड, यानी कि इसी तरीके से कुछ वेब डायग्राम पूरी कीजिए, तख्ता पूरी कीजिए, पूर्ण कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 2 मार्क्स के लिए है, 2 अंकों के लिए है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे हर एक बॉक्स फिल करने के लिए हाफ मार्क है। और ऑब्वियसली ये जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी के आंसर्स आपको इस गद्यांश में मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ से ही आंसर ढूंढना है और यहाँ पे लिखना है। आप यहाँ पे इन आंसर्स में या इन बॉक्सेस में आपके मन का आंसर नहीं लिख सकते, आपको यहाँ से ही आंसर ढूंढ निकालना है और वही आपको यहाँ पे लिखना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन या सेकंड कृति, निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, और अगेन उन्होंने कहा गया है कि यहाँ पे जो पैराग्राफ में अपोजिट वर्ड से वही आपको लिखने हैं, आप अपने मन से या आपको कुछ भी अलग, भले ही वो सही हो पर आप नहीं लिख सकते, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको गद्यांश में से ही जो अपोजिट वर्ड्स है उन्हें ढूंढ के लिखना है, देन यू शुड हैव टू राइट दोज वर्ड्स ओनली। तो यहाँ पे अगेन आपको 1, 2, 3, 4, एक्चुअली ये 1, 2, 3, 4 होना चाहिए था, बट इट्स ओके। सो बेसिकली ये 4 शब्द है और उनके विलोम शब्द आपको यहाँ पे लिखने हैं, हर एक विलोम शब्द लिखने के लिए आपको हाफ मार्क मिल जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट है जो थर्ड क्वेश्चन है, वो आपके ऊपर होता है कि आपको इसका आंसर आपके हिसाब से देना है, योर ओन ओपिनियन यहाँ पे मैटर करता है। सो जीवन में मित्रों का महत्व, इस विषय पे आपको 40 से 50 शब्दों तक का आंसर लिखना है। अभी ये 2 मार्क के लिए है, तो एक्सपेक्टेड है कि आप जो आंसर लिखेंगे वो कम से कम 6 लाइनों का तो होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप 12th में हो तो आप 2 लाइन का आंसर तो नहीं लिख सकते, और यहाँ पे आप जब आंसर लिखोगे तो आंसर में थोड़ी सी प्रस्तावना होनी चाहिए, थोड़ा सा मिडल पार्ट होना चाहिए जहाँ पे आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे या इसका आंसर लिखेंगे, और लास्ट पार्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। सो इन 3 स्टेप्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आप आंसर लिखेंगे वो कम से कम 6 से 8
लाइंस तक का आंसर होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे 1.5 तक का मार्क मिल सकता है। अगर आपने कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं की है, अगर आपने कुछ भी ऐसा काट नहीं दिया है, पूरा अच्छे तरीके से लिखा है, एकदम प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, तो कहीं आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। बट एक्सपेक्टेड है कि 1.5 तो मिल जाएगा अगर आपने 6 से 8 लाइन्स लिखे हैं और वो भी क्वेश्चन रिलेटेड। आफ्टर दैट नेक्स्ट है क्वेश्चन या कृति पहली आ, तो इसमें भी अगेन आपको सेम गद्यांश दिया जाएगा और गद्यांश के अकॉर्डिंग आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये भी जो गद्यांश है अगेन सेम 6 गुणों के लिए ही है या 6 अंकों के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगेन वेब डायग्राम के बेस्ड में है या एक्टिविटी बेस्ड है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे भी 2 अंक है, तो अगेन हाफ 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 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको आप चाहते हैं कि आपको ये पता चले कि आंसर किस तरह से लिखना चाहिए, तो इसके लिए आप ये बुक रेफर कर सकते हैं। उस वाल का ये बुक है जिसमें आपको इस सेम क्वेश्चन पेपर के आंसर्स देखने मिलेंगे, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगी कि आपको कितना बड़ा आंसर लिखना है, किस तरीके से आंसर लिखना है, आप किस तरीके से लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, वो सब आपको इस बुक में मिल जाएगा। इसमें सिर्फ इसी साल का नहीं बल्कि इसके पिछले वाले साल और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल पेपर जिसे हम कहते हैं, वो भी है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। अभी यहाँ पे आपको सिनोनिम्स लिखने हैं। अगेन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आपको गद्यांश में से लिखने हैं, तो आपको गद्यांश में से ही लिखने हैं, भले आपको कुछ इसका करेक्ट आंसर पता हो और वो गद्यांश में नहीं है तो आपको वहाँ पे 0 मार्क्स दिए जाएंगे। सो यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज ओनली। अगेन हाफ मार्क आएगा आनंद के समानार्थी शब्द के लिए, हाफ मार्क पुत्री के लिए, हाफ मार्क सबके लिए, हाफ हाफ मार्क। आई एम नॉट गेटिंग के इन्होंने एक एक ऐसा नंबर क्यों दिया है, हालांकि वो 1, 2, 3, 4 होना चाहिए, बट वो आप समझ लीजिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, वर्तमान पीढ़ी के युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण। सो बेसिकली आपकी जो पीढ़ी है या जो वर्तमान पीढ़ी है, उनका दृष्टिकोण कैसा है जीवन के प्रति, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे आपके ओपिनियंस मैटर करेंगे, क्योंकि आपके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है या आपके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको 40 से 50 शब्दों में आंसर लिखना है। अगेन आप थोड़ी सी प्रस्तावना दे सकते हैं, अगेन आप बीच में थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और ज़्यादा एलाबरेट कर सकते हैं, और लास्ट आपको थोड़ा बहुत कंक्लूजन लिखना ज़रूरी है। तो इन 3 स्टेप्स में आप क्वेश्चन लिखिए। अगर आप चाहे तो 3 पैराग्राफ करके भी लिख सकते हैं, बट आपको जो आंसर है वो 6 से 8 या 10 लाइन्स तक ही लिखना है। ज़्यादा चाहे तो आप ज़्यादा लिख सकते हैं, बट मिनिमम आपको 6 लाइन्स तो कवर करनी है। बड़े अगर आपका हैंडराइटिंग बड़ा हो तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा लिखना होगा, इट डिपेंड्स ऑन योर हैंडराइटिंग एंड अगेन आपको कितना लिखना है उसके ऊपर, बट मिनिमम 6 लाइन्स तो लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्नों के लगभग उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। तो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन में से आपको किसी भी 2 क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स में। तो 100 वर्ड्स बोले तो आपको ऑलमोस्ट आधा पन्ना जो आता है हमारे क्वेश्चन पेपर का, वो और थोड़ा और एक्स्ट्रा लिखना होगा, क्योंकि अगेन आप ये आपके हैंडराइटिंग पे डिपेंड करेगा कि आप कितने लिखते हो 100 वर्ड्स, बट ऑलमोस्ट आपको जैसे हम कहते हैं कि 3/4 पेज जो है वो आपको कवर करना होगा। बेस्ट रहेगा अगर आप पूरा पेज इसका आंसर लिखोगे, क्योंकि एक आंसर के लिए 3 मार्क्स है। ओके, सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो बेसिकली आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आदर्श बदला एक कहानी आप हमारे टेक्स्ट बुक में है, और इसमें एक थोड़ा बहुत समरी आपको याद रहनी चाहिए, तभी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश लिखिए। अगेन अब जब इसके आंसर लिखेंगे तो आप थोड़ी बहुत समरी लिख सकते हैं, थोड़ी बहुत लिखना है मतलब पूरा चैप्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक 3 से 4 लाइनों में आप इनकी समरी जो है वो लिख सकते हैं, ताकि सामने वाला जो एग्जामिनर है उसे भी पता चल जाए कि यस आपको कहानी तो पता है, आपने टेक्स्ट बुक तो पढ़ा है। तो अगर आपने पूरा आप क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन कर पाओ, तब भी आपने जितना लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, मनुष्य के स्वार्थ के कारण रिश्तों में आई हुई दूरी पर अपने विचार खोख जाया पाठ के आधार पर लिखिए। अगेन ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। ये जो भी क्वेश्चन है इसमें से आपको सिर्फ 2 ही लिखना है, तो आप 2 ही लिखिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना टाइम देंगे कि चलो तीसरा भी लिख लेते हैं, तो शायद आपको आगे टाइम ना मिले, क्योंकि आगे आपका बहुत सारा पेपर बचा है। तो बेस्ट है कि आप चाहे तो एक पेज छोड़ सकते हैं, कि अगर आपको बाद में लगे कि मुझे तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व करना है, जस्ट फॉर कि कुछ गलत हो जाए तो तीसरे क्वेश्चन के मार्क्स लिए जाए इसके लिए, तो फिर आप अभी ये क्वेश्चन मत सॉल्व कीजिए, आप एक पेज छोड़ दीजिए, और उस जब आपका पेपर हो जाए, जब आपके पास टाइम बचा हो, तब आप इस क्वेश्चन पे आके
एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ई, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का मात्र एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो बेसिकली आपको एक एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं, इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपको चारों के आंसर्स आते हैं और अगर आप दो में श्योर नहीं हो तो चारों के आंसर्स लिख सकते हैं। ये दो मार्क्स के लिए प्रश्न है और आपको यहाँ इनमें से, इन चारों में से किसी भी दो के आंसर्स ही लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी में कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि का नाम लिखिए। नेक्स्ट है, आशा रानी वोरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य लिखिए। और इसी के साथ साथ आपको चार क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बस एक लाइन में या वन सेंटेंस में, ठीक है। तो ये पूरा हो गया आपका फर्स्ट विभाग गद्य। अभी हम जाएंगे पद्य विभाग की ओर, जहाँ पे आपको पोएम्स दी गई है। तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप पोएम्स बाय हार्ट करो, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर में पोएम्स दी जाती है। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, कृति दोन अ, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। तो आपके पास इन्होंने थ्री स्टांजा की पोएम दी है और इसके अकॉर्डिंग आपको छः गुणों के लिए क्वेश्चन पूछे हैं। सो इसमें से पहला क्वेश्चन है, उत्तर लिखिए। अच्छा लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको चार क्वेश्चंस दिए गए हैं, चार सब क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन का उत्तर लिखने के लिए आपको हाफ मार्क मिलेगा। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगेन ये जो क्वेश्चंस है, जो आपको स्टांजा दी जा चुके हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग रहेंगे, उन्हीं में ही इसका आंसर रहेगा। तो आपको आपके मन से आंसर नहीं लिखना है, जो भी क्वेश्चन में दिया पूछा जा चुका है वो ऑलरेडी गद्यांश में पद्यांश में दिया जा चुके हैं, तो आपको उसी को ही लिखना है, उसी के ही अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, आप मन से नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय निकाल कर पद्यांश में आए हुए मूल शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो आपको यहाँ से प्रत्यय यानी कि जो हम लास्ट में एक छोटा सा लेटर इसमें ऐड कर देते, छोटा सा वर्ड ऐड कर देते, तो आपको वो निकालना है और उसके बाद जो भी मूल शब्द है, फॉर एग्जाम्पल सत्यता सत्य, सो बेसिकली इस तरह से आपको लिखना है। पर ये जो शब्द है मूल शब्द, वो उस पोयम में या उस पद्यांश में होना चाहिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट है थर्ड, संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है, इस विषय पर आपको 40 से 50 शब्दों में कुछ लिखना है। अगेन ये आपका पर्सनल ओपिनियन रहेगा, इसमें आप पर्सनल ओपिनियंस रख सकते हैं, और आपको पोएम की हेल्प लेनी हो या पोएम में कुछ इसके रिगार्डिंग दिया गया हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट आपका पर्सनल ओपिनियन ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप पूरे की पूरी पोएम का ही सार इसमें लिख रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए। अगेन ये दो मार्क्स के लिए है, तो आपको आपका जो आंसर है वो 6 से 10 लाइनों में लिखना होगा, तो उस तरीके से आप अपना आंसर अरेंज कर सकते हैं। अगेन आप अगर चाहे तो इस पोएम का अगर संदर्भ लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत इस पोएम का आइडिया भी देना होगा कि ये पोएम किसने लिखी है, अगर आपको पता हो, या इस पोएम में क्या दिया गया है इस विषय के अनुसार या इस विषय से रिलेटेड, तो आप वो भी लिख सकते हैं। पर आपका ओपिनियन ज़्यादा रहना चाहिए, पोएम का जो लिखा है वो थोड़ा सा रहना चाहिए। अफ्टर दैट नेक्स्ट है क्वेश्चन दूसरा आ, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अकॉर्डिंग आपको कृतियाँ पूर्ण करनी है। अगेन आपको पद्यांश दिया जा चुका है, ये भी सिर्फ 6 गुणों के लिए, सेम 6 गुणों के लिए। अगेन आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 या 4 स्टांजास दिए जाएंगे, 3-4 स्टांजा यानी कि 12 से 15 लाइन्स आपको यहाँ पे दी जा सकती है। तो पहला क्वेश्चन, अगेन आपको वेव डायग्राम कम्प्लीट करना है 2 मार्क्स के लिए। सेम आपको इसके भी आंसर्स आप ही के जो पद्यांश दिया है उसमें ही मिल जाएंगे, आपको मन से कुछ भी नहीं लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, इसमें जो है निम्नलिखित शब्दों के वचन पद्यांश में से ढूंढ कर लिखिए। तो अगेन आपको सेम पद्यांश से ढूंढ कर लिखना है। नेक्स्ट है, पेड़ मनुष्य को प्रेरणा देता है, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए 40 से 50 शब्दों में। सेम आपको 6 से 10 लाइन्स यहाँ पर आंसर लिखना होगा। आप यहाँ पे अपने मन से बहुत ज़्यादा भी लिख सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि पेड़ हमारे लिए क्या क्या करता है, हमें उनसे किस तरह से इंस्पिरेशन मिलती है, हमें पेड़ के क्या क्वालिटीज़ अपने अंदर लेनी चाहिए। तो बेसिकली ये आप इसमें बहुत ज़्यादा आंसर भी लिख सकते हैं। तो जो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप मन से बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, आप टाइम के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी लिखिए, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी एग्जामिनर को लगे कि आंसर बहुत छोटा है, थोड़ा और बड़ा लिखते तो और मार्क्स मिल जाते। तो इस तरीके से जितना आपको उसके बारे में पता है सब लिखिए, बट टाइम का ध्यान रखिए, क्योंकि अपने पास सिर्फ 3 घंटे ही है और हमें और बहुत सारा पेपर सॉल्व करना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर गुरुवाणी कविता का रसास्वाद कीजिए। तो आपको पहले तो वो कविता पता होनी चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने कविता नहीं दी है, तो आपको कविता थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट है, रचनाकार का नाम आपको लिखना है 1 मार्क के लिए। पसंद की पंक्ति आपको लिखनी है 1 मार्क के लिए।
पसंद आने के कारण आपको वो कविता क्यों अच्छी लगी, क्यों पसंद आई, ये आपको 2 मार्क्स के लिए लिखना है। तो ऑलमोस्ट 6 लाइन्स को आपको लिखनी होगी। कविता की केंद्रीय कल्पना जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया कहते हैं, अगेन वो भी आपको 6 से 10 लाइन में लिखना होगा, ठीक है। तो ये पूरा 6 मार्क्स के लिए है। आफ्टर दैट अगर आप रसस्वाद नहीं करना चाहते तो आप आम आदमी की पीड़ा को समझते हुए चुनिंदा शेर इस कविता का रसस्वाद कीजिए। मतलब अगर आपको इस कविता का नहीं रसस्वाद करना है, आपको ऑप्शन चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन भी है, आप दोनों में से किसी भी एक कविता का रसस्वाद कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का केवल एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको अगेन कोई भी 2 प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में 1 सेंटेंस में लिखना है। अगर आप चारों आपको आते हैं तो आप चारों लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 सेंटेंस में लिखने के लिए आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पे खर्च नहीं होगा। बट ये जो क्वेश्चन है इसमें प्लीज़ एक ही कौन से तो कवि का कविता का आपको रसस्वाद करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा आपको लग सकता है इसलिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट है विभाग 3 विशेष अध्ययन, कुल 10 अंकों का ये प्रश्न है। यहाँ पे आपको दिया है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे पोयम दी जा चुकी है। उसके बाद आपको क्वेश्चन से, अगेन ये भी 6 गुणों के लिए ही कविता है, सेम पैटर्न है क्वेश्चंस का। पहले तो आपको यहाँ पे कारण लिखिए आया है, शायद आपको आपके एग्जाम में वेब डायग्राम आ सकता है, पंक्तियाँ पूरी कीजिए, इस तरह से किसी भी प्रकार का जो भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ पे आ सकता है। अभी एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है कारण लिखिए, तो कारण लिखिए, वेब डायग्राम आया तो वेब डायग्राम भी यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट है सेकेंड, उचित मिलान कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी सेकेंड क्वेश्चन है वो हर समय ग्रामर पे आधारित है। वहाँ पे विलोम शब्द आता है, प्रत्यय निकाल के मूल शब्द लिखिए, या फिर सिमिलर वर्ड्स पूछे जाते हैं, या फिर आपको दिया जाएगा कि एक शब्द है इसका जो भी अर्थ है उसे ढूंढ के लिखिए, या अर्थ दिया है इस अर्थ का जो शब्द गद्यांश पद्यांश में आया है उसे ढूंढ के लिखिए। तो बेसिकली ये जो ग्रामर के क्वेश्चन है वो यहाँ पे सेकंड में आ जाते हैं। फर्स्ट में सारा वेब डायग्राम वगैरह एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, सेकेंड में आपको ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, एंड थर्ड में आपका खुद का ओपिनियन यहाँ पे लिखना है पर्सनल रिस्पॉन्स की जैसे। सो यहाँ पे सेकेंड में है उचित मिलान कीजिए, आपको दिया है एक जगह पे आपको मूल शब्द दिया है और यहाँ पे आपको समानार्थी शब्द दिए हैं और आपको मिलान करना है। नेक्स्ट है पर्सनल ओपिनियन के लिए, युद्ध के दुष्परिणाम इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। तो आप यहाँ पे भी बहुत सारा लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हाल ही में यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था। तो अगर आपने कुछ उसमें रिगार्डिंग ब्रेकिंग न्यूज़ अगर आपने पढ़ी हो तो आप उसका भी यहाँ पे कुछ संदर्भ दे सकते हैं, या किसी और युद्ध जिसके बारे में आपको पता है, भारत पाकिस्तान के किसी युद्ध के बारे में पता है, या वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको पता है, तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हुए थे, या आप चाहते हैं कि ये परिणाम ना हो तो आप इसके ऊपर क्या करना चाहेंगे वो भी आप लिख सकते हैं, या युद्ध क्यों होते हैं, फिर उसके परिणाम मनुष्य जाति पे कैसे होते हैं, प्राणियों पे कैसे होते हैं, एंड ऑल ओवर इकोनॉमी पे कैसे होते हैं, वो किस तरह से हर एक देश को उसका परिणाम झेलना पड़ता है। तो इस अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। अगेन ये 2 मार्क्स के लिए है, तो एक्सपेक्टेड है कि आप 6 से 10 लाइन्स उसमें लिखेंगे। ज़्यादा आपको पता है आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। अगर पर्सनल रिस्पॉन्स में आप कुछ इस तरह से चीज़ें ऐड करो, जैसे कि मैंने कहा ब्रेकिंग न्यूज़ में आपने देखा होगा रशिया या यूक्रेन का वॉर, तो उसे अकॉर्डिंग आप ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी ऐड करेंगे तो सामने वाला जो एग्जामिनर होगा उसे भी पता चलेगा कि आपको आसपास क्या चल रहा है ये पता है। तो आप अवेयर हो, एक आप बहुत अच्छे अवेयर नागरिक हो, ऐसा उन्हें पता चलेगा और वो खुश हो के आपको मार्क्स भी दे सकते हैं। बट आपने जो भी लिखा हो सही होना चाहिए, ऑब्वियसली ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, सही होना चाहिए, और अपने आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक बनाने का प्रयत्न करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 या 100 शब्दों में आपको लिखना है। तो अगेन जो क्वेश्चन का आंसर आपको आता है वो क्वेश्चन आप चूज कर सकते हैं। कवि ने राधा के माध्यम से वर्तमान मनुष्य की पीढ़ी को व्यक्त किया है और इस कथन के संबंध में आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। नेक्स्ट है राधा की दृष्टि में जीवन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अगेन अब जब यहाँ पे बताया गया है कि आपको राधा की दृष्टि में कहना है तो आप अपनी दृष्टि से कुछ नहीं लिख सकते, या आप अपने मन से इसका आंसर अपने ओपिनियन स्टाइल के नहीं लिख सकते। आपको उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का क्या दृष्टिकोण है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। ये 4 मार्क्स के लिए है, तो एक्सपेक्टेड है कि आप एक पूरा पेज भर के इसका आंसर लिखे, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा लिखना होगा, तब कभी आपको 3.5 मार्क्स तक मार्क्स मिल सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि आप 1 फुल पेज और थोड़ा सा आगे वाला पेज का थोड़ा सा पार्ट भी कवर कीजिए, आपको जितना उसका आंसर पता होगा उतना, क्योंकि 4 मार्क्स के लिए आपको बहुत सारा लिखना ज़रूरी है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है विभाग 4 व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश एवं पारिभाषिक शब्दावली।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कृति चार में कि निम्नलिखित का उत्तर लगभग 100 या 120 शब्दों में आपको लिखना है। तो अगेन आपके पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, नर हो न निराश करो मन को। सो इस उक्ति का पल्लवन आपको करना है या फिर आप परिच्छेद को पढ़कर जो भी सूचना दिए है उसके अकॉर्डिंग कृतियाँ कर सकते हैं। तो 6 गुणों का ये प्रश्न है, आपको जो भी अच्छा लगे या जो आपको पता है जिसका भी आंसर, उसका आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप ये आंसर लिखोगे देन ऑल्सो आपको 120 शब्द यानी कि ऑलमोस्ट 1 पेज तो आपको लिखना ही होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लिख लेते हैं फिर किसी लाइन में ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, तो एटलीस्ट वो कवर अप करने के लिए आपकी लेंथ बड़ी होनी चाहिए आंसर की और वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए। बस लिखना है इसलिए कुछ भी लिखा ऐसा नहीं होना चाहिए, आंसर जो भी लिखोगे उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए आंसर, यूनिक थोड़ा बहुत होना चाहिए। यूनिक मतलब ऑब्वियसली आप क्वेश्चन में जो है उसी के अकॉर्डिंग लिखोगे, बट थोड़ा बहुत उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं वो क्वेश्चन से रिलेटेड। आफ्टर दैट नेक्स्ट है आपको एक परिच्छेद दिया है, आप उसको पढ़ के आगे जो कृतियाँ दी गई है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। एज यूजुअल पहले आपको वेव डायग्राम होगी या फिर कारण लिखिए या फिर कंप्लीट कीजिए पंक्तियाँ, इस पंक्तियाँ नहीं एक्चुअली यहाँ पे आपको दिया जाएगा कि कुछ लिखा है परिच्छेद में से ही उसे कंप्लीट कीजिए, ऐसा भी आ सकता है। नेक्स्ट है आपको सत्य असत्य लिखने के लिए है, 4 दिए गए हैं सेंटेंसेस, 2 मार्क्स के लिए है, 0.5 मार्क फॉर ईच। थर्ड क्वेश्चन है कि सूत्र संचालन रोजगार का उत्तम साधन है, इस पे अपने विचार आपको प्रकट करने हैं। अगेन आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 to 10 lines का आंसर लिखना होगा। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सूत्र संचालन क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, और इसके बाद आपको लगता है कि वो एक रोजगार का साधन बन सकता है तो आप उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव आंसर लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि वो एक रोजगार का साधन नहीं बन सकता तो आप नेगेटिव आंसर भी लिख सकते हैं। अगेन सेम फॉर ऑल पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की, अगर आपको पॉजिटिव आंसर लिखना है यू कैन राइट पॉजिटिव आंसर, या आपको ये पसंद ही नहीं है तो आप नेगेटिव आंसर भी लिख सकते हैं, बट प्रयास कीजिए कि आप पॉजिटिव ही लिखें, क्योंकि ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड सबको सुनना पसंद है रेदर देन नेगेटिव साइड। आप नेगेटिव लिखेंगे तो कोई आपको 0 मार्क्स यहाँ पे नहीं दे सकता, क्योंकि वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, पर मतलब ऐसा श्योर कीजिए कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव ही लिखें, क्योंकि एग्जामिनर को भी पढ़ने को अच्छा लगेगा और वो भी आंसर पड़ेगा तो आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको पॉजिटिव ही लिखना है, बट लिखिए मतलब आपके ये मार्क्स के लिए आप लिखिए, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है आप निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर 80 या 100 शब्दों में आपको लिखना है। अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि या तो आप ब्लॉग लेखन करते समय कौन सी सावधानी रखनी है इसके ऊपर लिख सकते हैं, या फिर प्रकाश उत्पन्न करने वाली जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने के उद्देश्यों की जानकारी दे सकते हैं। 4 मार्क के लिए ये है, तो अगेन आपको एक्सपेक्टेड है कि आप 10 लाइनों से आगे ही इसका आंसर लिखें, या अथवा आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं हिंदी में शून्य पल्लवन शब्द अंग्रेजी में आप किस तरह से लिखते हैं, आप उसका प्रतिशत क्या है, उसका इनमें से चूज करना है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा ईजी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि सामने ही आंसर दिया जा चुका है MCQs में, आपको उसमें से सही जो भी रहेगा वो आंसर लिखना है, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन यू, बट आई थिंक दिस इज मोर ईजियर। आफ्टर दैट नेक्स्ट है 2nd, डैश को पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लिखने के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसे सम्मानित किया गया था, उनका नाम आपको सही जो भी पहचानना है और लिखना है। आई थिंक इसका आंसर स्नेहा है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है डैश लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता, फीचर में, ब्लॉग में, पल्लवन में, निबंध में, इसको आपको बंधन नहीं दिया जाता कि आपको शब्द मतलब यहाँ पे वर्ड्स लिमिट नहीं है कि आप 100 ही शब्द लिखिए, आप 200 ही लिखिए, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। कैसा किस में होता है, आई थिंक ब्लॉग में होता है, आप अपना आंसर लिख सकते हैं। मानव सहित विश्व के अधिकांश जीवों के जीवन में डैश का बहुत महत्व है, किसका महत्व है, दवा का, रसायन का, धन का, प्रकाश का, व्हाटएवर, ये आप जो भी आंसर सही रहेगा आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग वो आंसर लिख सकते हैं, शायद प्रकाश। नेक्स्ट है ई, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे अपठित गद्यांश है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक का नहीं है ऑब्वियसली, तो आपको ये गद्यांश पढ़ना होगा, समझना होगा, और 6 गुणों का ये क्वेश्चन है। अगेन अगर ये आपके टेक्स्ट बुक में से नहीं है, आपको पता है, तो प्लीज़ इसके लिए थोड़ा सा समय बचा के रखिए, यानी कि आपको खुद का टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि आई डोंट नो कि आपको लिखने में कितना समय लगता है, तो ऑब्वियसली मैं आपको टाइम मैनेज करके नहीं दे सकती या बता सकती, ये आपको खुद
बहुत पता चलना चाहिए कि मुझे इस क्वेश्चन के लिए समझने के लिए या इस गद्यांश को समझ के आंसर लिखने के लिए कितना समय मुझे देना चाहिए, तो ये आप अपना जान सकते हैं। चाहे तो आप अभी टाइमर लगा के इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि इतना अगर गद्यांश आया जो कि आ चुका है PYQs में, तो मुझे कितना समय लगेगा, समझने में कितना समय लगेगा। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप उस समय को कम कर सकते हैं, ताकि आप कम समय में समझ पाए और इसका आंसर लिख पाए। अभी तो शायद आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, नहीं तो आप ले सकते हैं ताकि आप इसे पढ़ें, या तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब सो आपने किया होगा, नहीं किया होगा मुझे पता नहीं, बट अगर आप ये करते हो एक्सरसाइज, तो आपको एक आइडिया लग जाएगी कि आपको कितना समय लगता है और पेपर के दौरान आपको तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट है तालिका पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगेन सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे कि पहले तो वेव डायग्राम पूरा कीजिए, तालिका पूरा कीजिए, तख्ता पूरा कीजिए, व्हाटएवर। सो नेक्स्ट है परिच्छेद में आए हुए शब्द युग्म के कोई भी चार उदाहरण आपको ढूंढ के लिखना है। अगेन ग्रामर का क्वेश्चन रहेगा ये। नेक्स्ट है थर्ड में समय अनमोल है, इस विषय पर आप 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। आप जब एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको इसकी प्रचिति आ जाएगी कि समय कितना अनमोल है, आपको किस तरीके से टाइम में अपना पेपर कंप्लीट करना है, तो उसी जो आपकी अवस्था रहेगी उसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन आप सभी को पता है कि समय हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अनमोल है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आपके जो भी व्यूज रहेंगे वो आप इसमें लिख सकते हैं। ऑलमोस्ट 6 to 10 लाइन्स आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिभाषिक शब्द आपको लिखने हैं। अगेन आपको पता है कि पारिभाषिक शब्द आप जब लिखते हैं तो एक्सपेक्टेड है कि आप हिंदी का ही लिखें, आप मराठी या किसी और लैंग्वेज में इसका कन्वर्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जज में हिंदी में जैसे कि न्यायाधीश बोलते हैं, तो आपको यहाँ पे न्यायाधीश लिखना एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे उन्होंने दिए तो 8 गए हैं, बट इसमें से कोई भी 4 के पारिभाषिक शब्द आपको लिखने हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। किसी भी 4 आपको जो भी पता हो, फॉर एग्जांपल बैलेंस को हम शेष राशि कहते हैं, पेमेंट को हम भुगतान कहते हैं, तो आप उसी अकॉर्डिंग आपके आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी के स्पीड को हम गति लिखेंगे, बट ये एक्सपेक्टेड है कि आपका जो आंसर आप लिख रहे हो वो सही होना चाहिए। जैसे कि गति को आप दूसरी वेलांटी यानी कि जिसको हम दीर्घ वेलांटी कहते हैं वो ना देते हुए आपको यहाँ पे पहली वेलांटी ही देनी होगी, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है विभाग 5 व्याकरण विभाग, जो कि लास्ट विभाग है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर का, यानी आपके क्वेश्चन पेपर का भी। तो यहाँ पे दिया गया है कि कृति 5 अ निम्नलिखित वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। किसी भी 2 वाक्यों को यहाँ पे आपको परिवर्तन करना है, काल परिवर्तन करना है, किस काल में उसको परिवर्तन करना है वो काल आपको दिया है। तो बैजू का लहू सूख गया है, ये अभी आपको कन्वर्ट करना है सिंपल पास्ट टेंस में, जिसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। सत्य का मार्ग सरल है, इसे आप भविष्य काल में सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी इजी लगेगा उसके जैसे उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से कौन से भी 2 सेंटेंसेस चूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सामान्य काल में अगर दिया है तो आप वही करें, क्योंकि वो थोड़ा इजी रहेगा, बट अगेन डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट है निम्नलिखित पंक्तियों में उद्धृत अलंकार पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको कुछ पंक्तियाँ दी जा चुकी है। अगेन सिंपल पंक्तियाँ अगर आप चूज करेंगे तो आपको आंसर लिखने में आसानी होगी, टाइम भी आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको किस पंक्ति का अलंकार पता है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट होगा ये जो भी ग्रामर के क्वेश्चन है, प्लीज़ वाइजली वो क्वेश्चन चूज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। तो अपूर्ण वर्तमान काल अगर आपको कठिन लगता है या आपको श्योर नहीं है, तो बेस्ट है कि आप सिंपल जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे ये मैटर नहीं करेगा कि आपने हार्ड क्वेश्चन या डिफिकल्ट क्वेश्चन चूज किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपने अगर इसका भी सही आंसर लिखा है तो भी आपको मार्क्स मिलने ही वाले हैं। तो व्हाई नॉट इजी क्वेश्चन चूज करें, डिफिकल्ट चूज करने से अच्छा। ओके सेम फॉर इसके लिए भी, आप जो श्योर है उसी को चूज करें, उसी का आंसर लिखें, पूरा लिखने के चक्कर में जो आता है वो गलत ना करें। ओके नेक्स्ट है ई में दिया है कि निम्नलिखित पंक्तियों में उद्धृत रस पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको पंक्तियों में से रस जो है, जो कि हमारे करुण रस वगैरह जो भी रस यहाँ पे आता है, वो रस आपको लिखना है। बस एक लाइन का ही आपको एक ही शब्द आपको लिखना है जो भी रस है वो। तो एक्सपेक्टेड है कि आप यहाँ पे पंक्तियाँ ना लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि पंक्ति लिखने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। तो प्लीज़ पंक्तियाँ लिखने में अपना समय वेस्ट ना करें, यहाँ पे भी आपको पंक्तियाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस 1 यहाँ पे लिखना है या 1 नंबर लिखना है, उसके आगे उसमें जो भी अलंकार आया है बस उस अलंकार का नाम आपको लिखना है। अगर रूपक अलंकार है तो आपको बस रूपक अलंकार इतना ही शब्द लिखना एक्सपेक्टेड है आपके आंसर शीट में। आपको पूरी पंक्ति या पूरी वो लाइन या वो कुछ भी लिखना ज़रूरी नहीं है। सेम फॉर यहाँ पे भी आपको पूरी पंक्ति लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो उसमें रस आया है
विविध सा हो, वॉट एवर श्रृंगार वगैरह जो भी रस इसमें आया होगा उस रस को आपको बस लिखना है। नेक्स्ट है ई में, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिख कर उचित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको मुहावरे दिए जा चुके हैं, पहली चीज़ तो आपको इसका मीनिंग लिखना है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है वो लिखना है, और बाद में मुहावरे का आपको यूज़ करना है सेंटेंस में, अर्थ का नहीं। ओके, सो ये ज़्यादातर लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं कि वो मुहावरे का अर्थ का यूज़ कर लेते हैं। आपको अर्थ का यूज़ नहीं करना है, आप जो भी सेंटेंस लिखोगे उसके अंदर ये मुहावरा आना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो वो जो भी मुहावरा आप उस सेंटेंस में यूज़ करोगे उसके नीचे अंडरलाइन करिए, ताकि एग्जामिनर को जल्दी से पता चल जाए कि हाँ बाबा इसने मुहावरा यूज़ किया है। ओके, उनको ढूंढने के लिए मजबूर ना कीजिए कि उन्हें ढूंढना पड़े कि मुहावरा कहाँ लिखा है। आप बस अंडरलाइन कर दीजिए, पेंसिल से कीजिए, पेन से कीजिए, ताकि वो हाईलाइट हो सके और इजीली सामने वाला पर्सन उसको देख सके कि हाँ मुहावरा तो यूज़ किया है। सेम अगर आप इसमें से जिसका भी आपको आंसर पता हो और वो फर्म हो कि यही आंसर होगा या श्योर हो, तभी आप उस मुहावरा का यूज़ कीजिए। ग्रामर सेक्शन में अवॉइड कीजिए कि आप ज़्यादा मिस्टेक्स करें, आप ज़्यादा आंसर लिखे कट करें, ये सब अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये सेक्शन ऐसा है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो वाइजली आप चूज़ कीजिए कि आपको जो लिखना है और उसी को ही आगे कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। तो आपको इस वाक्य में कुछ तो गलतियाँ दी गई हैं एंड उन्हें आपको सुधारना है, और उसके बाद आपको बस करेक्ट सेंटेंस लिखना है। या गलत सेंटेंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी ये सेंटेंस यहाँ पे दिया है, परंतु अज्ञान भी अपराध है। तो आपको पता है कि अज्ञान हम ऐसे नहीं लिखते, अज्ञान आप अज्ञान ऐसे मतलब नहीं लिखते हो, राइट। तो यहाँ पे ज्ञान नहीं है, तो आपको पता चल गया है कि ये गलत है, तो जो गलत शब्द है उसको आप सही करेंगे और उसके बाद आप सेंटेंस लिखोगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे अज्ञान शब्द गलत था, तो आप जब सही अज्ञान लिखोगे आपके आंसर शीट में, तो प्लीज़ उस अज्ञान के नीचे अंडरलाइन कीजिए, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने सही शब्द लिखा है, गलत ये था उसको आपने सही करके लिखा है। ठीक है, अगर हम पहले वाले देखें, उनकी व्यथा के सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिली है, तो बेसिकली ये ऐसा होना चाहिए था कि उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है, ना कि मिली है। तो आपको पता चल गया ना कि यहाँ पे मिली गलत है, तो आप मिला लिखोगे और मिला के नीचे अंडरलाइन कर दोगे, ताकि सामने वाले को पता चले कि बाबा इसको पता है कि आंसर गलत था, ये उसने सही किया है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी पेपर लिखो तो इस तरह यानी आंसर्स लिखो तो इस तरीके से लिखो कि सामने वाला जो भी एग्जामिनर है उसे ज़्यादा ढूंढना ना पड़े कि आंसर कहाँ पे लिखा है, कैसा लिखा है, ताकि उनका टाइम बच जाए, वो थोड़े से चिल रहे आपका पेपर चेक करते वक्त, ताकि आपको मस्त मार्क्स मिल सके। सो आई होप कि आपको एक थोड़ी बहुत आइडिया मिल चुकी होगी कि आपका पेपर किस तरीके से आता है, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, आंसर्स कितने लिखने चाहिए, क्वेश्चंस किसे चूज़ करने चाहिए। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी मी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।